गाड़ियां जब नई होती है तो एकदम साफ सुथरी और चमकदार दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती है या अधिक इस्तेमाल में लाई जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार की गंदगी जमने लगती है। ऐसे में कार मालिक को उसे साफ करने के लिए गाड़ी धोने वाली दुकान पर ले जाना पड़ता है। यदि गाड़ी धोने वाले अपना बिजनेस हाईवे पर खोल लें तो लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और वो हाईवे पर ही अपनी कार को वॉश करने के लिए दे दें। इस प्रकार अन्य जगहों की तुलना में हाईवे पर कार वॉशिंग बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है। चलिए जानते हैं कि कैसे आप हाईवे पर गाड़ियां धोने का व्यापार शुरू कर सकते हैं, जिससे आप कर सकते हैं हर महीने अच्छी खासी कमाई। बिजनेस चाहे कार वॉशिंग का हो या किसी भी चीज का हो, एक सफल बिजनेस के लिए उसकी योजना बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने बिना प्लानिंग के काम शुरू किया तो आपका कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके चलते आपका समय और धन दोनों का घाटा होने का खतरा रहता है। उसी प्रकार कार वॉशिंग के बिजनेस में भी आपको एक अच्छी सी योजना या प्लानिंग बना लेनी चाहिए, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपके बिजनेस में कितने पैसे लगेंगे, आप किस जगह पर यह बिजनेस करेंगे, आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और आपको अपनी शॉप में कितने लोगों को काम पे रखना है। ये सब कुछ आपको एक जगह पर लिख के इसकी सही से योजना तैयार करनी होगी। अब कैसे किया जाता है कार धोने का काम? तो कार धोने का काम दो प्रकार से होता है, पहला लेबर के द्वारा और दूसरा मशीन के द्वारा। कार वॉशिंग के बिजनेस में लोग अपनी दुकानों पर मशीनें तो रखते ही हैं, साथ ही में कुछ लेबर को भी रखते हैं जो मशीनों के द्वारा उन गाड़ियों को धोकर अच्छे से साफ कर सकते। अब कहाँ कहाँ कर सकते हैं कार वॉशिंग बिजनेस? तो कार वॉशिंग बिजनेस आप कहीं भी कर सकते हैं, गांव, शहर, सड़क, हाईवे इत्यादि। लेकिन गांव की अपेक्षा ये बिजनेस शहर में ज़्यादा चलता है क्योंकि वहाँ पे कारें ज़्यादा होती है। लेकिन अब गांव में भी कारें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है, तो आप अगर किसी गाँव या किसी कस्बे में ये बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप हाईवे पे ये बिजनेस शुरू करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हाईवे से ज़्यादा गाड़ियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अब कार वॉश बिजनेस के लिए क्या क्या संसाधन जरूरी है? यदि आप कार वॉश बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको इन संसाधनों की आवश्यकता होगी। पहली, कार वॉश करने के लिए जगह। दूसरा, उसके लिए पानी। तीसरा, मशीन। चौथा, कार पॉलिश। पाँचवा, कार वॉशिंग शैम्पू। छठा, पाइप। सातवा, तौलिया। आठवा, स्पंज। अब कार वॉशिंग बिजनेस में कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि कार वॉशिंग बिजनेस तभी काम कर सकता है जब उसमें बाइक की धुलाई का काम भी किया जाए, क्योंकि इंडिया में कार से ज़्यादा अभी भी बाइक की संख्या है। ऐसे में एक शॉप खोलने के लिए आपको कम से कम 30x40 वर्ग फीट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कार धोने के लिए आपको कार के लिए एक फाउंडेशन बनाना होगा जिसमें आप कार को खड़ा करके उसे वॉश कर सकें। वहीं बाइक रखने के लिए भी आपको एक जगह चाहिए, साथ ही उपकरणों को रखने के लिए भी आपको जगह की आवश्यकता होगी। ऐसे में आपको बिजनेस के लिए एक बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगला सवाल ये आता है कि ये बिजनेस कौन कौन कर सकता है? तो कार धोना एक बहुत ही आसान काम है, जिसे सीखने के लिए किसी ट्रेनिंग या पढ़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इस काम को कोई भी कर सकता है। कितनी लागत है कार वॉशिंग बिजनेस में? तो कार वॉशिंग बिजनेस में कितने पैसे खर्च करना है यह आपके बजट पर निर्भर करता है। आप चाहें तो कम से कम दाम की कार वॉशिंग मशीन खरीद कर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो कि आपको 30,000 से 1,00,000 रुपए तक की मिलती है। वहीं आपको पानी और बिजली की व्यवस्था में 1,00,000 रुपए तक खर्च करने होंगे। इसके अलावा छोटे मोटे उपकरण की ज़रूरत होगी। इसके बाद आपको टोटल खर्च 1.5 से 2 लाख तक हो जाता है, इसमें आप शुरू कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है? तो किसी भी बिजनेस को अगर आप एक बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई पूरी करनी ज़रूरी होती है। उसी प्रकार गाड़ी धोने को, यानी कि कार वॉशिंग बिजनेस भी है जिसमें आपको कुछ लाइसेंस या परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्थानीय प्राधिकार से रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन इत्यादि। अब कार वॉशिंग बिजनेस में ध्यान देने वाली बातें क्या है? तो पहली ये कि कार वॉशिंग बिजनेस आपको ऐसी जगह पर खोलना चाहिए जहां पर अधिक से अधिक गाड़ियां आपको मिल सके, एक्सेसिबल जगह हो जहां पर गाड़ियां आ सके जा सके आसानी से। वैसे ज़्यादातर लोग इसे कार रिपेयरिंग सेंटर के आसपास ही खोलते हैं। भारत में कार से ज़्यादा बाइक की संख्या है, इसलिए जब भी आप कार वॉश करने का बिजनेस शुरू करें तो बाइक वॉश करने की सुविधा भी दें, तभी आपको लाभ हो सकता है। अब आता है कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो कार वॉशिंग बिजनेस में आप कितना कमा सकते हैं ये तो आपके बिजनेस की लोकेशन और आपके पास आने वाले कस्टमर्स पर निर्भर करता है। अगर आप हाईवे पर इस शॉप को खोलते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिल सकते हैं और केवल एक गाड़ी पर ही आप 60 से लेकर 500 रुपये तक कमा सकते हैं। अब कार वॉशिंग बिजनेस का प्रमोशन कैसे करें? तो जब बात आती है कि इसके
प्रमोशन कैसे किया जाए, क्योंकि बिजनेस कोई भी हो जब तक उसका प्रमोशन नहीं होता तब तक लोग उसके बारे में नहीं जान पाते हैं तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस आगे बढ़े, आपको सफलता प्राप्त हो, तो इसको प्रमोट करना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना सकते हैं। ऑनलाइन में आप सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा ले सकते हैं और उसके अलावा आप गूगल पे अपनी शॉप रजिस्टर करिए ताकि कोई भी अगर सर्च करता है कि कार वॉशिंग नियर मी या मुझे कार वॉशिंग करना है तो कहाँ करें, तो आपका नाम वहाँ पर आ जाए। आसपास के जितने भी लोग सर्च करें तो आपका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। उसके अलावा आप हर व्यक्ति से कहिए जो भी कार वॉश करवाने आ रहा है कि आप हमें अच्छे से अच्छे रिव्यूज़ दें, क्योंकि जितने आपके रिव्यूज़ अच्छे होंगे उसी हिसाब से आपकी रैंकिंग भी ऊपर होगी और आपके और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। वहीं अगर आप शुरू में चाहते हैं तो ऑफलाइन में न्यूज़पेपर और पैम्फलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।